आपकी स्कूलिंग कैसे शुरू हुई? क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है आप सैनिक फैमिली से हैं, तो कैसे आपकी जर्नी रही उसके बारे में जरा बताएं। मोरल वैल्यूज की जो नैतिक मूल्य, ये आप कहां पाते हैं आज के बच्चों में? कैसे ये इनबिल्ट हो पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी सोसाइटी में जाता हूँ, देखता हूँ स्कूल कॉलेजेस में भी, अब पहले नैतिक शिक्षा की एक बुक हुआ करती थी जो पढ़ाया जाता था, आजकल के बच्चे जो यंग है, चूंकि आप बिल्कुल यंग हैं और आपके बाद या साथ में तमाम लोग तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अभी के जो नए बच्चे हैं, खासकर जो बिल्कुल यंग हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से अप्रोच रखें कि उनकी लाइफ बेहतर हो? बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, क्या ये परवरिश की दिक्कत है, या फिर जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो कई बार वो परेशान हो? अभी मैं कल ही एक जगह पे देख रहा था, वहाँ ये बात आई कि एक बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में बहुत पैसे हार गया, और वो एक जगह गया, उसने कहा, और उसके माँ बाप ने भी उससे बात करने से मना कर दिया, उसका बड़ा भाई वो भी उससे बात नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला। बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बिल्कुल यंग IAS अफसर हैं और बहुत डायनेमिक भी हैं, लगातार समाज के प्रति सचेत रहते हैं, बच्चों को इंस्पायर करते रहते हैं, क्योंकि सेवा ही उनका मुख्य उद्देश्य है। लंबी जर्नी है उनकी, लेकिन बेहद शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब हम उनसे बात करेंगे तो आप उनके मुंह से खुद सुनेंगे। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं IAS इंद्रजीत सिंह जी, जो इस वक्त लखनऊ में पोस्टेड हैं, नगर आयुक्त हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन शुरुआत बचपन से होनी चाहिए, और हम चूंकि बच्चों के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चे इससे इंस्पायर हो, जैसा कि आप लगातार बच्चों के बीच भी जाते रहते हैं स्कूल कॉलेजेस में, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसे शुरू हुई? क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है आप सैनिक फैमिली से हैं, तो कैसे आपकी जर्नी रही उसके बारे में ज़रा बताएं। मेरे फादर एयरफोर्स में उन्होंने सर्व किया है, तो उस इसी कारण से वो अलग अलग जगह पोस्टेड थे, तो मेरा केंद्रीय विद्यालय से स्टार्ट हुई। जितने भी एयरफोर्स के बच्चे होते हैं वो KV में ही जाते हैं मोस्टली, तो हम भी KV में गए। तो पहली जो थी मेरी ज्वाइनिंग, हम लोगों ने आदमपुर से की थी, जो पंजाब में एक एयरबेस है, उसके बाद तेजपुर ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद पुणे, पठानकोट, तो ये KV की जर्नी थी। तो ये स्कूल्स थे हमारे वहाँ पे जिससे मैंने स्टार्ट किया, और KV ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्योंकि KV एक मल्टीकल्चरल स्कूल होता है, तो उसी कारण से हम लोग आज यहाँ पे हैं। अच्छा, कई बार जैसे जितनी जगह आपने बताया कि आप इन इन जगहों पर पढ़ें, तो जैसे फ्रॉम LKG टू 12th कई बार ट्रांसफ़र्स हुए होंगे, तो दोस्त छूट जाते रहे होंगे बीच में। हाँ, 4 या 5 स्कूल मैंने चेंज किए थे 12वीं तक, तो 5 स्कूल एग्जैक्टली, तो उसमें बड़ा उस समय पेन भी होती थी कि सारे दोस्त छूट गए और नई जगह चले गए, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ जब सर्विस में आए कि वो शायद एक अच्छा कुदरत ने टाइम दिया था, क्योंकि एक तो सारे अलग अलग सिटीज़ देखने का मौका मिला, इंडिया पूरा घूमने का मौका मिला, दूसरा एक बड़ा अच्छी क्वालिटी डेवलप हुई जिससे अडेप्टेबिलिटी आई, जो आज भी मुझे सर्विस में बहुत हेल्प करती है, जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं, जहाँ कोई भी कल्चरल चेंज कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालता हमारे हम पे, तो वो एक अच्छा मेरे लिए मुझे कुदरत ने बख्शा कि मैं KV से पढ़ा। अच्छा, कई बार चूँकि मैं भी सैनिक फैमिली से हूँ, मेरे बड़े भाई साहब इंडियन एयरफोर्स में हैं, तो मेरी भतीजी अभी छोटी है, 11-12 साल की है, और कई बार लगता है कि मतलब जब उसका अभी रिसेंटली भैया मेरे गुजरात में पोस्टेड थे, और जब वो आगरा उनकी पोस्टिंग शिफ्ट हुई, तो मैं गया था उनको शिफ्ट कराने के लिए, तो मेरी भतीजी रोने लगी और बोली कि चाचा मेरे सारे दोस्त छूट गए। तो क्या इस तरह के इमोशनल मोमेंट्स भी हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मैं तेजपुर में था तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था उत्तराखंड से, तो बड़ा मैं फील किया जब मैं पुणे पोस्ट हुए, महाराष्ट्र गए हम लोग पुणे में, तो बाद में भी टच में भी रहे बाद में, लेकिन उस समय इतना वो मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं था जब हम पढ़ते थे, तो ये तो बाद में आया, 2007-8 के बाद ही हुआ है, तो लेकिन ये चीज़ें रहती है, लेकिन धीरे धीरे भी समझ आया कि लाइफ ऐसी ही है, लाइफ के जो प्रिंसिपल है वो सबके लिए कॉमन है, लाइफ हमेशा चेंज थ्रो करती है,
तो वो मुझे जो है आगे चल के बहुत हेल्प की, लेकिन वो बहुत पेनफुल होता था जब दोस्तों को छोड़ते थे। जैसे हम लोग भी एनसीसी में जब थे तो जो 10 दिन का कैंप लगता था सीएटीसी कैंप मैंने भी किया। अच्छा अच्छा तो ये एनसीसी जो है लाइफ को बेहतर बनाने में कितना अहम रोल अदा करती है, क्योंकि जब सीएटीसी कैंप लगता था ना तो अलग अलग राज्यों के बच्चे आते थे और कई बार जो है हम लोग या एनआईसी कैंप नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो होते थे, जैसे मेरा केरला में एक्सपीरियंस है, तो जब वहाँ से हम 10 दिन के बाद जब कैंप फायर होता था तो किस तरह का माहौल होता था वो आप खुद बताएं। हाँ देखिए, एनसीसी या इसके साथ कोई भी चीज़ जिसमें मतलब हमारी भारतीय फौज या हमारे डिफेंस फोर्सेज जुड़ी है तो उसमें एक बहुत अच्छा चीज़ रहती है कि हर कल्चर के लोग एक फोरम पर आ जाते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नेशन फर्स्ट तक आ जाती है, तो वो जो चीज़ें वो माहौल जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है जो आगे जाके चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे हम लोग इंटरनेशनल भी जाए, वो हमें हेल्प करता है आगे करने में, अडेप्ट करने में। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है कैंप से वो बहुत अच्छे रहे हैं, वो दोस्त लाइफ टाइम के ही दोस्त होते हैं, और मल्टी कल्चर से आप मल्टी डाइट या मल्टी फूड मल्टी क्विजीन सब चीज़ें आपको नॉलेज मिलती है या आप उसको फील करते हैं, अडेप्ट करते हैं अच्छी चीज़ों को, और वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। अच्छा, ये तो रही अच्छी अच्छी बातें। कैंप्स में कभी फ्रॉग जंप भी करने को कहा गया या कभी कोई पनिशमेंट मिली, क्योंकि मुझे तो मिली है। हाँ नहीं, मैं मुझे तो हमेशा मिलती रही है कि इसमें क्या है कि जैसे मैं शुरू से स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है, स्पोर्ट्स में खेलता भी रहा हूँ, मैंने हाफ मैराथन दौड़ी है जी। और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम मिले उसको मेंटेन करूँ, तो वो हम लोग आसानी से कर लेते थे, लेकिन वो फिर आदत बन जाती है, शुरू में एक दो बार लगता है, और क्योंकि मेरे परिवार में बहुत लोग अभी भी सेना में जाए, भारतीय वायुसेना में है, तो वो जो सुन के उनकी ट्रेनिंग या कमांडो ट्रेनिंग सुन के या स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग सुन के, तो वो माइंड सेट एक था, अभी भी है, तो उससे ज़्यादा होते नहीं थे, वो उसको रगड़ा बोलते थे, तो वो खुशी खुशी कर लेते थे, तो बल्कि वो लोग जो इंस्ट्रक्टर होते थे वो सोचते भी थे कि यार ये लोग इनको फर्क नहीं पड़ता कुछ, तो वो लोग भी कहते ये लोग हैं ही मकड़ागिरी करने वाले, ऐसे इस तरह से। लेकिन वो समय अच्छे थे, मतलब आई रियली चेरिश दैट। हाँ, मैं भी जब याद करता हूँ सर, आपको बताऊँ कई बार जो बटन होती थी शर्ट की, वो कहते थे कि 3 ही बटन दिखनी चाहिए। हाँ, वो सारे उनके प्रोटोकॉल्स रहते हैं। हाँ, तो कई बार जब बेल्ट जो है थोड़ी सी नीचे होती थी, 5 बटन या 4 दिखने लगती थी, तो पेट में ऐसे घुसे से मार के बहुत हल्का सा चोट भी ना लगे और पेट भी अंदर हो जाए, उसके बाद वो बेल्ट पकड़ के ऐसे खींचते थे। मतलब दे हैव देयर ओन वे टू डिसिप्लिन, मतलब उनके अपने अपने तरीके हैं अनुशासन करने के लिए, लेकिन अनुशासन ही जिंदगी का सबसे बड़ा जी वो है, और उससे जो अनुशासन सीखा वो आज भी हेल्प करता है, वो टाइम पे उठना, टाइम पे सब चीज़ें करना और चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब एन नंबर ऑफ क्वालिटीज़ है जो उन चीज़ों ने सिखाई है। तो मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनको अगर कहीं मौका मिलता है, एनसीसी या एनएसएस या भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, किसी भी चीज़ का ऐसा मौका मिलता है, तो उसमें ज़रूर 1 साल या कुछ सेमेस्टर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक नया पर्सपेक्टिव ज़िंदगी का वो देता है, एक नया पर्सपेक्टिव ज़िंदगी का मिलता है। कैसे फिर सेना में पिताजी खुद एनसीसी किया, जैसे मैं खुद एनसीसी किया, कैसे, मैं अपने लिए भी ये कहूँगा लेकिन मैं दर्शकों को बाद में ये बातें बताऊँगा, लेकिन आपके लिए विशेष तौर पर मैं पूछना चाहूँगा, कैसे ये आईएएस बनने की तरफ कैसे आप उन्मुक्त हुए? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं था कि मैं आईएएस आऊँगा, तो कभी सोचा भी नहीं था बचपन में, बिकॉज मुझे लगता था कि ये बहुत टफ है और बहुत इसमें पढ़ना पड़ता है, तो मैंने कभी ऐसे प्लानिंग नहीं की। तो मेरा सिंपल था कि मैं भारतीय सेना में जाऊंगा, जैसे पंजाब का सेटअप था, तो या फॉरेन जाएंगे, तो 2 ही चीज़ें मैंने अपने लाइफ में सोची तो या तो सेना में या फिर भारतीय सेना में। जब मैंने किया अप्लाई तो मेरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो इंटरव्यू है वहाँ तक मैं गया, उसके आगे नहीं जा पाया, एक बार मेडिकल तक गया फिर नहीं गया, तो जब वो नहीं हुआ वो चांस खत्म हो गए, तो देन फिर मैंने फॉरेन के लिए अप्लाई किया, देन मैं मास्टर्स किया मैंने अप्लाइड फिजिक्स में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, तो मेरा वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मुझे वहाँ से मेरा रिकमेंडेशन भी अच्छी थी, तो मुझे यूके में एडमिशन मिल गया था अप्लाई मटेरियल साइंस में, आगे रिसर्च का भी और उनका 1 साल का ब्रिज कोर्स होता है उसको मैं मिल गया, तो उसमें फिर वीज़ा में कुछ इशू आ गए तो वो मैं नहीं जा पाया उसमें, तो सारी चीज़ें क्लियर थी, तो देन फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू इन इंडिया। जब इंडिया में बात आई तो फादर साहब से बात हो रही थी, तो फादर ने कहा कि देखिए जो जब भी रहना है, जैसे एयरफोर्स में भी है तो पायलट्स ही किंग होते हैं, तो जो भी आप करो सर्विस में आप जो है बेस्ट सर्विस को में ही आप करिए, तो इस थॉट से मेरा स्टार्ट हुआ आईएएस का। तो फिर मैंने आईएएस की स्टार्ट की, तो पहले मुझे जो सर्विस मिली तो मैं पहले बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर गया, तो उसके बाद नेक्स्ट मेरी सिलेक्शन हो गई थी सीएसआईआर, एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में मैं गया था, उसके बाद जल्दी मेरी सिलेक्शन हो गई थी अपने ये प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ करके,
जी, उसमें मैं ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहा, या असिस्टेंट APFC बोलते हैं, UPSC के थ्रू सिलेक्शन थी। उसी सर्विस के दौरान फिर मैं IAS में आ गया था। तो ये मेरा जर्नी रही, 2016 बैच है मेरा, 15 का एग्ज़ाम ईयर है ये। मतलब बिल्कुल स्विच करते गए, आपने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। हाँ, फोकस था कि जाना IAS में ही है, और जॉब के साथ किया, बिकॉज मुझे लगता था कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहना, इवन मैं स्कूल के बाद कभी रहा ही नहीं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी कुछ ना कुछ करके अपना फीस वगैरह निकाल लेते थे, और स्कॉलरशिप से आ जाती थी मेरी फीस, क्योंकि नंबर अच्छे होते थे, डिफरेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर देते थे। तो मैं इंडिपेंडेंट ही पढ़ाई की है, तो यही फिर एकदम मकसद था कि जैसे ही अब कॉलेज ख़त्म हो गया तो अब जो जॉब से शुरू करना, क्योंकि जब जॉब में आ जाते हो तो एक अलग डेवलपमेंट अपनी हो जाती है एज ए इंडिविजुअल भी, एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, तो वो भी हेल्प करता है। अच्छा, अगर वीज़ा मिल गया होता तो आप बाहर चले जाते आप? हाँ, ये फिर तो क्लियर था, लेकिन मेरे अभी भी फैमिली में 90% लोग बाहर ही हैं, तो UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, तो वो लोग अभी भी कहते रहते हैं बाहर आना चाहिए। लेकिन इसी को क्या आप डेस्टिनी मानते हैं कि मतलब डेस्टिनी? हाँ, ये डेस्टिनी तो होती है, लेकिन मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जो IAS एक सर्विस है, बहुत बड़ा सेवा का मौका देती है। आप बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारे अपने जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो नागरिक हैं, हमारे साथी हैं, उनकी मदद कर सकते हो, और अलग अलग प्रोफाइल्स में आपको काम करने का मौका मिलता है। आप एज ए इंडिविजुअल भी ग्रो करते हो, आपकी एजुकेशन वाइज भी आप ग्रो करते हो, और साथ साथ आप कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी को एक नई दिशा देने के लिए, अपनी जो हमारी सर्विसेज है उसको बेटर करने के लिए। तो इस तरह से तो इट्स अ वेरी मतलब बेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, वर्ल्ड। अच्छा, ये तो आपने सर्विस की बात बताई कैसे आप आए। आजकल के बच्चे जो यंग हैं, चूँकि आप बिल्कुल यंग हैं और आपके बाद या साथ में तमाम लोग तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अभी के जो नए बच्चे हैं, खासकर जो बिल्कुल यंग हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से अप्रोच रखें कि उनकी लाइफ बेहतर हो? इसमें मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी क्लैरिटी मतलब क्लियर है आप माइंड में कि मुझे लाइफ से करना क्या है, और वो आने लग जाती है जब हम 10वीं 11वीं 12वीं होते हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ, आजकल तो बहुत अर्ली लोग इस चीज़ों में क्लियर हैं, मैंने देखा 5th 6th के बच्चों को भी क्लियर है कि क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्योंकि मैंने कई स्कूल्स यहाँ विज़िट किए हैं, चाहे नगर निगम की तरफ से एज ए कमिश्नर स्वच्छता को लेके, तो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो काफ़ी क्लियर रहते हैं। तो अगर आपको लाइफ क्लियर है, मतलब क्लियर है कि आपको अगर IAS ही करना है, जहाँ आप आना चाहते हैं, फिर आपको वाई भी क्लियर होना चाहिए कि वाई यू वॉन्ट टू बी IAS। जब आपका वाई क्लियर है, हाउ तो फिर अपने आप आ ही जाता है। और वाई मतलब आपको कॉज पता होना चाहिए। जैसे मैंने, हमारे एक सीनियर है, मतलब उन्होंने से मेरी इंटरेक्शन हुई थी जब मैं सर्विस में आया था, तो सर का क्या था कि सर का रैंक ऐसा आया था कि उनको होम कार्डर मिल जाता था, तो वो होम कार्डर ना भर के उन्होंने UP को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था और बिहार सेकंड भरा था। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये ऐसा क्यों, तो बोलते कि देखिए, जो अगर मैं UP बिहार में आऊँगा तो जो मैं जिन पब्लिक की हेल्प करूँगा उसमें स्केल बहुत बड़ा है, और यहाँ नीड है कि जिसमें हम लोग बहुत बड़े स्केल पर बड़े अच्छे से हम लोगों का मदद कर सकते हैं। तो अगर उनको वाई क्लियर था, तो अगर वाई क्लियर है कि वाई मैं IAS बनना चाहता हूँ, तो फिर आप वो रास्ता भी ढूंढ लेंगे और कुदरत भी आपको वो रास्ता दे देगी। लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा रहती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ होनी चाहिए, आसपास क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, वर्ल्ड में, इंडिया में वो चीज़ें तो बेसिक रहेगी, और कुछ हैबिट्स रहती है कि रीडिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। बाकी अगर आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल आप डेवलप कर रहे हैं, आप मतलब पर्सनैलिटी में हर तरह के आपके गुण हैं, भारत की जो डाइवर्सिटी है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी बात है, जो भारतीय संविधान है, उसमें जो वैल्यूज़, चाहे वो सामाजिक वैल्यूज़ है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ है, चाहे मॉरल वैल्यूज़ भी उसमें बहुत है हमारे में, तो अगर ये सारा वैल्यू सिस्टम आपके अंदर है तो आपको यहाँ आने तक कोई रोक नहीं सकता। आपने एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही, मॉरल वैल्यूज़ की, जो नैतिक मूल्य, ये आप कहाँ पाते हैं आज के बच्चों में? कैसे ये इनबिल्ट हो पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी सोसाइटी में जाता हूँ, देखता हूँ स्कूल कॉलेजेस में भी, अब पहले नैतिक शिक्षा की एक बुक हुआ करती थी जो पढ़ाया जाता था, जो अपने जो हमारे फोरफादर्स हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके बारे में बताया जाता था, लेकिन आजकल जो है ये चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है कितना कम हुआ है या कैसे हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये परिवार से शुरू होता है, मतलब फैमिली से एक पैटर्न रहता है, सेकंड स्कूल भी आता है,
क्योंकि अभी मैंने कई देखा है कि स्कूलों में भी कई इसका स्पेसिफिक चीज़ें आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज़ें हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भारत की जो सिविलाइजेशन है या सभ्यता है, या इसमें जितने हमारे धर्म हैं, इसमें जो वैल्यूज़ है वो सर्वश्रेष्ठ है पूरे इंडिया में, क्योंकि जब इंडिया या वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में मैं कहूँगा, क्योंकि जो उसका वैल्यू सिस्टम है, चाहे आप वेस्टर्न ले लीजिए, चाहे आप ईस्टर्न साइड चले जाइए, यूरोपियन चले जाइए, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो बेस्ट है। बस हमें उसको भूलना नहीं है, उसको अपनाना है, चाहे वो गीता से ले लीजिए, आप कुरान से ले लीजिए, बाइबल से ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब से ले लीजिए, किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ से ले लीजिए, वो बेसिक वैल्यू सिस्टम सब है। आप स्टार्ट कर लीजिए, फैमिली से शुरू होता है कि अपनी फैमिली में केयर करनी है, एल्डर्स की केयर करनी है, उससे लेके समाज में कैसे रहना है, हर चीज़ हमारे इसमें है। बस हमें अपने जो आने वाली जनरेशन है उससे उनको वाकिफ कराना है और सही एज पे कराना है। जैसे अगर शुरू से ही हम उसको ले आएंगे और लेट ना करेंगे तो फिर वो बहुत आसान रहेगा। अब सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप मान लीजिए सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं, क्योंकि मैं, मेरी जो ब्रिंगिंग है उसमें हर तरह का रोल है, मैंने गीता भी को भी पढ़ा है, मैंने अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की भी ग्राउंडिंग है उसमें। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है वंड के शको, तो अगर आप जाओगे या निर्भव निर्वैर, किसी से वैर नहीं रखना, इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट है, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। हमें अब इसको जो है अपने बच्चों को लेके अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान या भारत से बढ़िया कोई जगह नहीं है कि जो 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 इसकी सोसाइटी, जो कल्चर इन चीज़ों को ले जाएगी। और अगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, क्योंकि जनरेशन बदलने में टाइम नहीं लगता, पहले तो 10 साल में बच्चे जो होती थी, अब 5-5 साल में होती है, क्योंकि मीडिया इतना आ गया, वैल्यू सिस्टम इतनी जल्दी होता है, तो ये चीज़ें हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात कही सर। वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये जो हमारी व्यवस्था है जिसे आप बता रहे हैं कि बच्चे ये कर सकते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात हो गई, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो गई, बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, क्या ये परवरिश की दिक्कत है, या फिर जैसे कोई बच्चा फेल हो गया तो कई बार वो परेशान हो। अभी मैं कल ही एक जगह पे देख रहा था, वहाँ ये बात आई कि एक बच्चा ऑनलाइन गेमिंग में बहुत पैसे हार गया, और वो एक जगह गया, उसने कहा, और उसके माँ बाप ने भी उससे बात करने से मना कर दिया, उसका बड़ा भाई वो भी उससे बात नहीं कर रहा है। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग हुआ, या ऑनलाइन गेमिंग में जो बच्चे पैसे हार जाते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो सरकारी नौकरी ही चाहते हैं, तो कितने लोगों को सरकारी नौकरी, ये प्रश्न आएगा। और दूसरा, क्या ये जल्दी बड़ा आदमी बनने के चक्कर में कहीं कुछ घपला तो करके बन जाए, या कुछ ऐसा करके बन जाए, तो ये जो डिलेमा में रहते हैं बच्चे, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यंग जनरेशन के हैं तो उनको समझ में भी आएगा। नहीं, बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, देखिए, पहले तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। जैसे आपने कहा ना, जल्दी रिच होना चाहते हैं, तो कोई भी लाइफ में आप किसी भी ले लीजिए, जैसे देखो, एक पेड़ भी बड़ा होता है तो उसका एक लाइफ साइकिल है, वो धीरे धीरे होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज एक आम का पेड़ एकदम एक साल में बड़ा हो जाए। तो यही कुदरत के जो लॉ है वो हम पे भी लगते हैं। अगर मान लो मुझे फिजिकली फिट होना है, तो वो एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन जिम जा सके नहीं होगा, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को साधना ही पड़ेगा। अगर मन को हम नहीं साधेंगे, मन की खुराक या मन पे बात नहीं करेंगे, उसको साइकोलॉजी भी कह सकते हो, लेकिन जो मुझे सही वर्ड लगता है वो मन ही लगता है, अगर मन की खुराक नहीं ठीक करेंगे तो हम आउटर में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अब मन की खुराक हमारे धर्म ग्रंथों से भी आ सकती है, हमारे बड़े भी दे सकते हैं, हमारा परिवार भी दे सकता है, हमारे स्कूल कॉलेजेस भी दे सकते हैं। तो अगर वो हम रेगुलर बच्चे को देते हैं, करेक्टर बिल्डिंग पे काम करते हैं, क्योंकि हम शॉर्टकट मार के मान लो कोई अचीव भी कर लेंगे कुछ, मान लीजिए किसी ने किसी कंटेस्ट में पैसे भी जीत लिए, तो वो उसको गवा देगा अगर करेक्टर नहीं है। तो करेक्टर अगर आपका डेवलप होता है, और करेक्टर डेवलप होता है, जैसे आपने शुरू में कहा NCC, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आपने कितना जाके समाज में बचपन से ही कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से बचपन में जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, स्लम्स में काम करते हैं। अभी मैं लास्ट संडे था कैन किड्स करके, क्योंकि लास्ट संडे जो है वो डे था कि जिसमें जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे हैं उनके लिए था वो, तो उसमें मुझे 21 बच्चे ऐसे मिले जो एक से लेके या उनको 18 साल की उम्र में बीच में कैंसर हुआ।
आज उन बच्चों ने, मैं बता रहा हूँ, लखनऊ की बात कर रहा हूँ, यूपी के हमारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों ने जो लाइफ में करके दिखाया उसके बाद, वो अपना और कैंसर से लड़ाई लड़ी भी, आज बिल्कुल सक्सेसफुल है बच्चे। उसमें से एक बच्चा था जिसने डिजी स्वास्थ्य करके एक वो चलाया, एनजीओ चलाई, जो आज पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज की जा रही है। तो मैंने उनमें जो उनसे मोटिवेशन पाया, जो उनमें मैंने करेक्टर देखा, तो ज़िंदगी में जितनी भी औखाइयाँ आती है वो हमें मजबूत करने के लिए आती है, ये बिल्कुल रियल चीज़ है, उससे कभी घबराना नहीं। और ये क्लियर हो जाए कि भाई हर चीज़ मेहनत से ही करनी है, दशा नौ की किरत खानी है, जैसे कंसेप्ट होती है पंजाबी में कि अपनी मेहनत की कमाई करनी है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें हम माँ बाप या स्कूल बच्चों को दे दें कि भाई ये चीज़ें हैं, ये इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर साहब ने बता दिया था कि ये चीज़ जो है इस पर अगर मान लो कोई चीज़ दूसरी पड़ी है किसी और की है, ये आप चाहे वो सोना भी हो मिट्टी है। तो जिस तरह से सर ने बताया, निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को मैं भी कहना चाहूँगा कि ये बातें बिल्कुल सटीक आपके लाइफ टाइम के लिए काम करेंगी। अगर एक बार आपने इसको अपने अंदर इनबिल्ड कर लिया, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र निर्माण में जो आपकी, नेशन बिल्डिंग में जो आपकी भूमिका है, उसको फिर कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। नमस्कार।